भारत में बैंक लॉकर में पड़े खातून के 18 लाख रुपए दीमक खा गई। भारतीय शहर मुरादाबाद में 18 लाख रुपए बैंक के लॉकर में रखने वाली खातून लॉकर खोलने के बाद दंग रह गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून ने एक साल के बाद बैंक लॉकर खोला तो पता चला कि दीमक ने 18 लाख रुपए का कैश खा लिया जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में 18 लाख रुपए बैंक लॉकर में रखे थे। बैंक की जानिब से इन्हें कस्टमर इन्फॉर्मेशन और दीगर तस्दीकी अमल के लिए बैंक बुलवाया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब खातून ने सब ठीक है देखने के बाद अपना लॉकर खोला तो वो हक्का बक्का रह गईं। बड़ी मेहनत से जमा करके लॉकर में रखे गए करेंसी नोट दीमक के हमले के बाद खाए हुए कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गए थे। इस वाक्य से बैंक हुक्काम भी हैरान रह गए और जब इस मामले को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया और मीडिया ने इस पर बैंक से जवाब मांगा तो बैंक के अमले ने कहा कि हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेज दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया है कि बैंक का अमला इनके साथ कोई मालूमात शेयर नहीं कर रहा। मुतासरा खातून अलका पाठक का कहना है कि अगर मुझे बैंक से जवाब तावुन नहीं मिलता तो मैं इस मामले को बढ़ाने के लिए मीडिया की मदद तलब करूंगी।